भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यकर्ताओं के द्वारा महानगर के पांचों मंडलों में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में देश अपने उन संतानों को याद कर रहा है जिन्होंने भारत को गुलामी से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस तिरंगा यात्रा से लोगों में संदेश जाए, हमें अपनी आजादी को किस तरह से सेलिब्रेट करना है और हर घरों पर तिरंगा लगाना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा समाज में एक जागरूकता फैलाने के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस अवसर पर महानगर महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, महानगर उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, रणविजय शाही, अजय मणि त्रिपाठी, रमेश चंद्र गुप्ता, अजय श्रीवास्तव, गौरव तिवारी, मनोज अग्रहरी, दिनेश जायसवाल, अवधेश अग्रहरी, सत्यार्थ मिश्रा, सिद्धांतो घोष सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, सभी केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सभी उसी अमृत महोत्सव के तहत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के दीनदयाल नगर मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाला गया, ताकि एक समाज में एक संदेश जाए, हमें अपनी आज़ादी को किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, हर घर पर तिरंगा लगाना है। 13, 14 और 15 तारीख में गोरखपुर महानगर के सभी घरों पे तिरंगा फहराएगा, क्योंकि अमृत महोत्सव के साथ साथ हम सभी आगे शताब्दी महोत्सव मनाएंगे, जो ये 25 वर्षों का कालखंड है, इसको अमृत काल के रूप में जाना जाएगा। देश पुनः इस 25 वर्षों में विश्व गुरु बनकर स्थापित होगा, ये हम सभी की कल्पना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता मिलकर आज समाज में एक संदेश देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए आज हम सभी तिरंगा यात्रा यहाँ दीनदयाल नगर मंडल के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में निकाला गया।